हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम एमसीक्यू करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, आपके जितने हॉर्मोन्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनक्लिक्स बेस्ड सब क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। हम कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पैनक्रियास। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन से ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये तो बहुत इजी है, सबको आता होगा ऑलमोस्ट। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ लाई करता है? ये आपका ब्रेन में होता है, और ब्रेन में भी मेन स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा होता है? इट लाइज बिलो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन के हाइपोफाइजियल फोसा में ये लाई करता है। क्लियर? तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डज इट लाई। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो आपका दो टाइप, दो में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इट रिलीजेस 6 हॉर्मोन्स ये रिलीज करती है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनी हॉर्मोन। सी, आपने हर बुक्स में पढ़ा होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन ADH सिक्रीट करती है, बट नो, ये सिक्रीट नहीं करती, ये स्टोर करती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमेशा स्टोर करती है दो हॉर्मोन्स को, उनका नाम है क्या, ऑक्सीटोसिन प्लस ADH, एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन, या फिर इसको क्या और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। क्लियर है? इट डज नॉट प्रोड्यूस। और ये जो ऑक्सीटोसिन और ये ADH कौन, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जस्ट इनको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसके भी ऊपर एक होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन जो है बहुत सारे और रिलीज करता है हार्मोन्स, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड देन ये पर्टिकुलर जाके रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या कंट्रोलर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम इसको बोलते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी मिक्सडीमा, ऑप्शन सी एक्रोमेगैली एंड ऑप्शन डी ग्रेव्स डिजीज। सी, जब भी ग्रोथ हार्मोन की बात होती है, ग्रोथ हार्मोन, इससे आपको तीन टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। फर्स्ट आपका आता है गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म, देन एक्रोमेगेली एंड ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब जो आपका ये गिगेंटिज्म और एक्रोमेगेली है वो होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और जो ड्वार्फिज्म होता है वो ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, गिगेंटिज्म या एक्रोमेगेली है? यस। सो इसका आंसर क्या हो गया? एक्रोमेगेली। अब सी, और आपको इसमें क्या समझना है, जो गिगेंटिज्म होता है ना, इट अकर्स इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रंस में होता है बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर जो भी एक्सेस आपका सिक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ होगी, एक्सेस ग्रोथ होगी, उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। एक्रोमेगेली आपका होता है इन एडल्ट्स। ठीक है, सी, ए फॉर एक्रोमेगेली, ए फॉर एडल्ट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब ये एडल्ट्स में कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी होता है व्हेन बोन ग्रोथ स्टॉप्स। जब आपका बोन ग्रोथ स्टॉप हो जाता है प्यूबर्टी के बाद, उसके बाद ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्लियर? सो यहाँ पे और टर्म्स भी, उनको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म और मिक्सडीमा आपका दिखता है इन हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका दिखता है क्रेटिनिज्म और मिक्सेडिमा सी, ऐसे ही सी फॉर क्रेटिनिज्म, सी फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन में आपका हाइपोथायरॉयडिज्म दिखता है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं और मिक्सेडिमा इन एडल्ट बोलते हैं। देन ग्रेव्स डिजीज आपका होता है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपो फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिड रियरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। सो मैंने आपको बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका डिवाइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शन है वो कम हो गया है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सी आपको एक टर्म यहाँ पे याद रखनी है, पैन हाइपो पिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी आपका 6 हॉर्मोन्स रिलीज करता है ना, बट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या हो जाएगा, जो 6 हॉर्मोन्स या सारे हॉर्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के उनका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। और इसके लिए एक टर्म दिया गया है, उस टर्म को बोलते हैं सिमोंड डिजीज। क्लियर। सो इसका आंसर हो गया आपका सिमोंड डिजीज। ठीक, अब एक और आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, एक सिमोन डिजीज हो गया, दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है सीहैन डिजीज। सीहैन डिजीज में क्या होता है, सीहैन में भी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है बट इट अकर्स ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रेट्रिकल कॉज। अगर किसी भी ऑब्स्ट्रेट्रिकल कॉज की वजह से अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है उसको बोलते हैं सीहैन डिजीज, और अगर ड्यू टू नॉन ऑब्स्ट्रेट्रिकल कॉज की वजह से हुआ तो सिमोन डिजीज बोलते हैं। क्लियर। ये आपका नेक्स्ट आने वाले नॉट सेट में आ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, जिसके अच्छे प्रिपरेशन होगी उसको ये क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता। सो मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। चलो आप जल्दी से बता दो कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हॉर्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं। सो फर्स्ट हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पढ़ा था ग्रोथ हॉर्मोन, नेक्स्ट LH जो कि आपका हेल्प करता है इन ओव्यूलेशन, ठीक, FSH देन और ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोइंट्रोफिन हार्मोन जो आपका एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पे और जो सिक्रीट कराता है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और बताओ TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि आपका एक्ट करता है किस पे, थायरॉयड ग्लैंड पे। क्लियर, और कौन सा बच्चा, प्रोलैक्टिन बच्चा, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर, ये आपके 6 हॉर्मोन्स हैं विच आर रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ऐसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके 2 हॉर्मोन्स जो वहाँ पे स्टोर होते हैं वो हैं ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है, ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क या फिर ड्यूरिंग आपका जब डिलीवरी होता है उस टाइम पे हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो P4 प्रोलैक्टिन, P4 प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर, देन दूसरा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है वो है वैसोप्रेसिन या फिर आप बोल सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपका हेल्प करता है इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, सो हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, जल्दी से आंसर बताओ, ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन होता है सिक्रेट, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन होता है, TSH होता है, देन कौन सा नहीं होता वो है ADH एंटी डायोरेटिक हार्मोन, क्वेश्चन में था नॉट। क्लियर, ये अच्छे से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ गोइटर इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर आपने किस में पढ़ा है, गोइटर कहाँ होता है, गोइटर होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म में जब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपके थायरॉयड जो हॉर्मोन्स है वो कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो जिसकी उसकी वजह से होता है गोइटर। अब T3 T4 क्यों कम रिलीज होते हैं, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी से। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी आयरन। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। देखो क्या होता है, जो आयोडीन है ना वो आपका हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ T3 और T4 में, ठीक है। लेकिन अगर आपका आयोडीन ही नहीं है तो T3 T4 नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन हो जाएगी वो है गोइटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वी से PTH। इसका मेन काम क्या होता है बताऊँ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, है ना, बोन टर्नओवर में हेल्प करता है। सो सी मेनली इसका काम होता है रिलेटेड टू कैल्शियम एंड रिलेटेड टू फॉस्फोरस। क्लियर। PTH क्या करता है, फॉस्फोरस के लेवल को कम कराता है, ठीक है। और कैल्शियम में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सीरम कैल्शियम एंड बोन कैल्शियम। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कराता है, बोन से लेके वो ब्लड में आपका कैल्शियम लेके आता है, ठीक है। मींस बोन का कैल्शियम कम करता है और सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया कि आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब ये कम सिक्रीट हो रहा है तो कैल्शियम भी जो है बोन से लेके कैल्शियम यहाँ नहीं आ पाएगी। अब नहीं आ पाएगी तो सीरम कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या दिखता है, लो सीरम कैल्शियम। क्लियर। इसका ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया, कैल्शियम को बोन से लेके सीरम में ब्लड में लेके आता है तो बोन कैल्शियम को कम करता है, सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है, फॉस्फोरस को डिक्रीज करता है। क्लियर। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज़ अंडरगॉन थायरॉयडेक्टमी। पेशेंट के क्या हुआ है, थायरॉयडेक्टमी हुआ है, थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव किया गया है। द नर्स मॉनिटर्स फॉर साइंस ऑफ डैमेज टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शन ए हॉर्सनेस, ऑप्शन बी टिंगलिंग अराउंड द माउथ, ऑप्शन सी नेक पेन एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आप क्या देखोगे कि आपको लगेगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को इंजरी हुआ है। सी ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जब भी आप थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करते हैं कई बार क्या होता है पैराथायरॉयड हार्मोन भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड को आप रिमूव कर देते हो तो आपको क्या देखना है, अब देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर रिमूव कर दिया, ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम बोन से आप लेके आ रहे थे वो नहीं आएगा, सीरम कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा। अब हाइपो कैल्सीमिया हो गया पेशेंट को तो आपने दो साइन पढ़ा था हाइपो कैल्सीमिया में, फर्स्ट है चॉपस्टिक साइन एंड सेकेंड है ट्रोश्यूज साइन, ठीक है। चॉपस्टिक साइन में क्या होता है, जब भी आप पेशेंट के फेस को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का स्पाज्म होगा, है ना। तो और दूसरा है ट्रॉशियस साइन में क्या होगा, आपको कार्पोपेडल स्पाज्म दिखेगा जब भी आप बीपी कफ इन्फ्लेट करोगे, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, टिंगलिंग अराउंड द माउथ ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको दिख रहा है टिंगलिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एंड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। वो ग्लैंड जिसको आप एक्सोक्राइन भी बोल सकते हो या एंडोक्राइन भी। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी। ये तो सबको आता होगा, बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, राइट डाउन करो। आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर। सो सी जो आपका जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है पैनक्रियाज का वो कौन परफॉर्म करता है, इट इज़ परफॉर्म बाय एसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और पेनक्रियाज एसलेट्स बोलते हैं। सो इसमें आपके तीन सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स होते हैं। सो अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं आपका ग्लूकागोन, तीन हार्मोन सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। देन बीटा सेल सिक्रीट करता है आपका इंसुलिन,
देन डेल्टा सेल सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो लेट अस टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड. अब देखो जो एड्रीनल ग्लैंड है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से ACTH आएगा, एड्रीनोकॉर्टिकोइट्रोफिन हार्मोन. ये कहाँ से आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से. ठीक है, ये आपका रिलीज कराएगा एड्रीनल ग्लैंड, ये आपका एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड पे और एड्रीनल हार्मोन्स आपका रिलीज कराएगा. अब जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो डिवाइड है दो में, एक है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रीनल मेडुला. ठीक है, अब मेडुला से आपके क्या रिलीज होते हैं? मेडुला से रिलीज होते हैं कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस उसमें क्या आता है आपका? नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. क्लियर. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स भी आपका तीन में डिवाइडेड होता है, तीन लेयर्स होती हैं इसकी, जिसको आप कैसे याद रखोगे? जी एफ आर से याद रखो. जोना ग्लोमेरुलोसा, देन जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस. ठीक है, अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा आपका सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, जिसमें आपका मेन आता है वो है एल्डोस्टेरोन. और एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराता है. क्लियर. देन आपका है जोना फेसिकुलेटा. जोना फेसिकुलेटा आपका क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. क्लियर. देन जोना रेटिकुलरिस आपका सिक्स स्टीरॉइड्स रिलीज करता है. क्लियर, ये आपको याद रखना है. अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, अगर इनका ज्यादा अमाउंट रिलीज हो रहा है या कम. अब जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन की अगर है इंक्रीज सिक्रीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम. और अगर है उसका डिक्रीज सिक्रीशन, तो उसको बोलते हैं एडिक्सन्स डिजीज. क्लियर. ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर इंक्रीज सिक्रीशन है, तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम. क्लियर. सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपका पूरा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कवर हो जाएगा. एक और चीज़, अगर कैटेकोलामाइन ज़्यादा सिक्रीट हो रहे, तो उसमें ट्यूमर होने के चांसेस है, जिसको बोलते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा. क्लियर. आई थिंक ये अगर आपने एक ले लिया ना फोटो, तो आपके इसके जो बेसिक क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एड्रीनल ग्लैंड क्या कौन सी लेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है. यहाँ है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सिक्रीट करता है? जूना फेसिकुलेटम. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको मेन क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा? ऑप्शन ए डायफोरेसिस, ऑप्शन बी ड्राई बिटल हेयर, ऑप्शन सी मेनोरेजिया एंड ऑप्शन डी कोल्ड सेंसिटिविटी. सी, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका जो T3 और T4 है वो बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? पेशेंट का वेट लॉस होगा. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग मोर पेशेंट का वेट लॉस होगा. देन और क्या याद रखना, ये आपके बीटा वन रिसेप्टर्स पे काम करेगा. अब बीटा वन पे करेगा तो क्या, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो पेशेंट को स्लीपिंग टेकिकार्डिया भी आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये साइन एंड सिम्टम्स रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ. बीटा टू पे अगर काम करेगा तो आपको क्या मिलेगा? मसल ट्रेमर्स मिलेगा, मसल ट्रेमर्स, डायफोरेसिस मिलेगा. ठीक है, देन अल्फा वन पे अगर काम करेगा तो वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, वैसो कंस्ट्रक्शन कराया तो बीपी इंक्रीज दिखेगा आपको. क्लियर. और क्या, और आपको जो मेन याद रखना है, इस पेशेंट में मिलेगा हीट इंटॉलरेंस. हीट इंटॉलरेंस मिलता है. लास्ट में इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मिलता है. देन और क्या मिलता है? ओलिगोमेनोरिया मिलता है.
क्लियर, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म. सो सी, ऑप्शन डी देखो, कोल्ड सेंसिटिविटी है. नो, इसमें क्या मिलता है आपको? हीट इंटॉलरेंस मिलता है, तो ये ऑप्शन गया आपका. देन मेनोरेजिया, यहाँ पे क्या मिलता है आपको? ओलिगोमेनोरिया मिलता है, मेनोरेजिया नहीं मिलता. देन ड्राई ब्रिटल हेयर, ये भी इसमें नहीं मिलता है. ये आपको किस में मिलता है? इट इज सीन इन हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, तो आपका आंसर क्या बच्चा? ऑप्शन ए, डायफोरेसिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी इज सीन इन. ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम. सो बताओ, ये भी आता होगा बच्चों को. मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी आपका दिखता है कुशिंग सिंड्रोम में, और कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिजोल. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़्यादा सिक्रीशन जब होता है तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम. सो लेट अस रिवाइज, इसके जल्दी से हम साइन एंड सिम्टम्स रिवाइज कर लेते हैं. सो जैसे आपको बताया, मून फेस आपको इसमें दिखेगा सेंट्रल ओबेसिटी, देन आपको इसमें पेशेंट का क्या मिलेगा? पर्पल स्ट्राइया मिलेगा. ठीक है, देन एक और जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है लेमन ऑन स्टिक अपेरेंस. ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंट है, लेमन ऑन स्टिक अपेरेंस मिलेगा. ये आपका नोट सेट में आ सकता है. कैसे? देखो, ये पेशेंट का मुंह है, ये पेशेंट का क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बहुत बड़ा है. ठीक है, और यहाँ पेशेंट के हाथ पैर पतले होंगे, तो इसको हम बोलते हैं लेमन ऑन स्टिक अपेरेंस, जो कि आपका कुशिंग सिंड्रोम में मिलेगा. देन और क्या मिलता है इसमें? बफेलो हम्प. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक साइन एंड सिम्टम्स है जो आपके कुशिंग सिंड्रोम में मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम विल नॉट बी प्रेजेंट इन फ्यूक्रोमोसाइटोमा. सो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था, फ्यूक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला. सो इसके साइन एंड सिम्टम्स याद करने के लिए आपको याद रखना है P2HD, या फिर PHD से आप इसको याद रखो. PHD, P first और P second. P first आपका है पाल्पिटेशन, PHD से याद रखना है. देन पेलर मिलेगा आपको इसमें पेशेंट, H फॉर हेडेक मिलेगा एंड D फॉर डायफोरोसिस. ठीक है, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स विच यू कैन सी इन फ्यूक्रोमोसाइटोमा पेशेंट्स. सो ए, पेलर मिलेगा. इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछा है, पेलर मिलेगा. परस्पिरेशन को ही हम डायफोरोसिस बोलते हैं, एक्सेस स्वेटिंग बोलते हैं, तो मिलेगा. देन हेडेक मिलेगा, डिक्रीज बीपी नहीं मिलता. सो दिस इज द आंसर, डिक्रीज्ड बीपी. ठीक है, दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फ्यूक्रोमोसाइटोमा. इसके फीचर्स याद रखने के लिए आपको याद रखना है PHD. P2 है इसमें. ठीक है, PHD. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन. सी, डायबिटी इंसिपिडस आपको कहाँ मिलता है? जब आपका डिक्रीज सिक्रीशन है किसका? एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन. सी, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन या फिर आप इसको बोलते हो वेसोप्रेसिन. इसमें आपको दो कंडीशन याद रखनी है, अगर इसका हो रहा है डिक्रीज सिक्रीशन या फिर इंक्रीज. अगर डिक्रीज सिक्रीशन है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, और अगर इंक्रीज सिक्रीशन है तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन. क्लियर. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराना, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, अब बताओ, अब डायबिटिक इंसिपिडस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है डायबिटीज इंसिपिडस, और दूसरा क्या बताया? सही है, DH. ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन में अब आपका यूरिन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब डायोरेसिस ज़्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कम सिक्रीशन हो रहा है ADH का. अब यूरिन ज़्यादा हो रहा है, यूरिन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया आपका, है ना? अब यूरिन जब डाइल्यूट हो जाता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है. क्लियर. सो इसका ऑप्शन हो गया B, डिक्रीज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग.
सो अभी मैंने आपको बताया अगर डिक्रीज सिक्रीशन होगा वैसोप्रेसिन का तो उसको बोलेंगे डायबिटिक इंसिपिडस, और इंक्रीज सिक्रीशन होगा तो उसको बोलते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हॉर्मोन. क्लियर? सो थैंक यू सो मच. आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. आप कमेंट सेक्शन में लिखो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.